समाजवादी पार्टी ने देर शाम एक लिस्ट जारी की जिसमें पार्टी की ओर से दो सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। पार्टी ने लिस्ट में मेरठ से भानु प्रताप का नाम बदलकर अतुल प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आगरा से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह के नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके नाम को बदल सकते हैं। ठीक वैसा हुआ भी। सपा ने भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर सरदना से विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया है, जिस पर अतुल प्रधान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा नेता अतुल प्रधान ने खुद को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए सपा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने मेरठ की महान जनता की आवाज बुलंद करने का एवं सेवा करने का मौका दिया। हम सब मिलकर गरीब नौजवान किसान के हक एवं न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसका पार्टी में काफी विरोध भी देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता लगातार स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, अखिलेश यादव भी उनकी कार्यशैली को लेकर ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि एक बैठक में उन्होंने भी भानु प्रताप से कह दिया था कि आप ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या तुम्हारा टिकट काट दूं? इसके बाद ही भानु प्रताप सिंह के टिकट कटने के कयास शुरू हो गए थे। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं की एक बैठक भी बुलवाई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई थी और अब उन्होंने अपने करीबी अतुल प्रधान पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी बदायूं, नोएडा और मुरादाबाद में भी अपने प्रत्याशियों के नाम को बदल चुकी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सपा की दुविधा से ये साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहले एसटीएसएन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया था, इसके बाद नोएडा में भी राहुल अवाना की जगह महेंद्र नागर को टिकट दे दिया गया था। अब इसके बाद यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई थी मेरठ को लेकर, और मेरठ में भी अब ये नाम सामने आ गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम बदल दिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में इन तमाम प्रत्याशियों का क्या भविष्य होता है, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।